श्रीलंका को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के एक और बेहद ही शानदार मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शानदार जीत दर्ज करते हुए वर्ल्ड कप 2023 में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शानदार वापसी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने और गिरा श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कप्तान दसुन सनका के चोटिल होने के बाद आज कमान सौंपी गई थी कुशल मेंडिस को, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी। श्रीलंका की तरफ से इस मुकाबले में कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका पारी की शुरुआत करने उतरे, तो दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी कमाल की शुरुआत की। जब पहले ओवर में एक बेहतरीन चौका प्रथम निशंका के बल्ले से देखने को मिला, तो वहीं पर इसके बाद कुशल परेरा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर में एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत कर दी टीम के लिए, और एक से बढ़कर एक बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले। इसी बीच कुशल परेरा ने सातवें ओवर की पहली गेंद पर भी एक कमाल का चौका पैट कमिंस की शॉट गेंद पर लगाया। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों के पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, और इस पार्टनरशिप के बाद तो इनका परफॉर्मेंस और भी बेहतर होता गया। इसी दौरान दोस्तों एडम जेम्पा के 14वें ओवर की पहली व तीसरी गेंद पर दो बेहतरीन चौके देखने को मिले, यहाँ पर प्रथम निशंका के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों कुशल परेरा ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल के चौके के साथ ही अपने ओडीआई कैरियर की 16वीं 50 पूरी कर डाली। तो वहीं पर उनके साथ साथ कहां पीछे रहने वाले थे इस टीम के एक और शानदार बल्लेबाज प्रथम निशंका, उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद प्रथम निशंका ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, और 22वें ओवर की चौथी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेविड वार्नर के एक बेहतरीन कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया। प्रथम निशंका ने 67 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर कुशल परेरा के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका हेजलवुड की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। अब यहां पर काफी शानदार तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, तभी दोस्तों यहां पर 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर पैट कमिंस ने बोल्ड करके पेवलियन भेजा कुशल परेरा को, जिन्होंने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वो शिकार बन ही गए आखिरकार कमिंस का। उन्होंने 82 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज समर विक्रमा उतरे क्रिस पर, लेकिन इसी बीच 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे कुशल मेंडिस, लेकिन एक और कमाल का कैच डेविड वार्नर को देखने का मिला, और यहाँ पर कुशल मेंडिस 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर उनके पीछे पीछे ही 30वें ओवर की पहली गेंद पर एडम जेम्पा ने समर विक्रमा को भी LBW आउट करके पेवलियन भेज दिया, और बैक टू बैक लगातार विकेट गंवाती चली गई श्रीलंका की टीम, और यहां पर 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेवलियन लौटे समर विक्रमा। पिछले मुकाबले के दोनों शतकवीर अब पेवलियन लौट चुके थे। इसके बाद उम्मीद थी धनंजय डिसिल्वा से, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, और 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने उनको भी बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया, वो भी यहाँ पर मात्र 13 गेंदों पर 7 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद तो यहाँ पर 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर वेला लागे को रनआउट करके पेवलियन भेजा शानदार तरीके से। कमिंस के एक बेहतरीन थ्रो ने इनकी पारी को भी समाप्त किया, ये 9 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए। तो वहीं पर इसके बाद चरित्र श्रीलंका जरूर एक छोर से टिके हुए रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट करते गए। इसी बीच 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर एडम जेम्पा ने करुणा रत्ने को भी LBW आउट करके पेवलियन भेजा, वो 11 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए। तो वहीं पर इसके बाद महेश दीक्षणा को LBW किया एडम जेम्पा ने, और एक और करारा झटका यहाँ पर श्रीलंका की टीम को लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका के लिए लाहिरू कुमारा भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, और स्टार्क के एक यॉर्कर गेंद ने उनको भी चलता किया। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर श्रीलंका क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन वो भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच लाबुसेन को थमा बैठे, और एक और झटका यहाँ पर श्रीलंका की टीम को लगा, और पूरी टीम 209 रनों पर ऑल आउट हो गई। एक समय तक 125 रनों पर अपना पहला विकेट गंवाने वाली ये टीम 209 रनों तक पहुँचते ऑल आउट हो गई, और मात्र 210 रनों का ही लक्ष्य रखा ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मिचेल मार्श और डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करने उतरे तो मैच की पहली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया मिचेल मार्श ने और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों पहले ओवर की आखिरी गेंद पर लहिरू कुमारा के बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन छक्का डेविड वार्नर के बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी जारी रही, लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद पर मधुशंका ने यहाँ पर पेवलियन भेजा डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर LBW आउट होकर पेवलियन लौटे। हालांकि अंपायर के इस फैसले से वो काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने रिव्यू जरूर लिया था लेकिन अंपायर कॉल आया था। डेविड वार्नर 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर दिलशान मधुशंका ने यहाँ पर पेवलियन भेज दिया स्टीव स्मिथ को भी। स्मिथ खासे निराश नजर आए क्योंकि वो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 5 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 5वें ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, जबकि दोस्तों उन्हीं के बल्ले से एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 9वें ओवर में भी बेहतरीन बल्लेबाजी की तो उनका बेहतरीन साथ भी दिया यहां पर मार्नस लाबुसेन ने। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही। लेकिन इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक गलत रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श 51 गेंदों पर 52 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप की जोस इंग्लिश और उनके साथ मिलकर मार्नस लाबुसेन ने। इसी दौरान दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए आते ही 2 बेहतरीन चौके यहां पर इंग्लिश के बल्ले से देखने को मिले तिक्सना के ओवर में। तो वहीं पर इसके बाद करुणा रत्ने के ओवर में भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों उन्होंने अपर कट के जरिए लहिरू कुमारा के ओवर में भी शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई 62 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का यहाँ पर देखने को मिला जोस इंग्लिश के बल्ले से। यह भी कमाल का छक्का था जो कि 6 रनों के लिए गया। इसके बाद उन्होंने चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों तभी यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे मार्नस लाबुसेन मधुशंका का शिकार बने और यहां पर करुणा रत्ने को अपना कैच थमा कर पेवलियन लौटे। वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 60 गेंदों पर 40 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उन्होंने 31वें ओवर में मधुशंका की गेंद पर शानदार चौका लगाया। इसके बाद इस ओवर की 5वीं व आखिरी गेंद पर भी 2 और शानदार चौके लगाकर ओवर में 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, जबकि दोस्तों इसके बाद 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया महेश तीक्ष्णा की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला लॉन्ग लेग के ऊपर से। यह भी कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 34वें ओवर की पहली गेंद पर वेला लागे ने जोस इंग्लिश को के पेवलियन भेज दिया महेश तीक्ष्णा के हाथों कैच कराकर। उन्होंने 59 गेंदों पर 58 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज मार्कुस ट्रेनिस क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब सिर्फ औपचारिकता मात्र बची हुई थी क्योंकि 35 ओवर में 209 रनों तक पहुँच गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और मार्कुस स्टोइनिस क्रीज पर मौजूद थे जहां स्टोइनिस ने इस मुकाबले को फिनिश किया और 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की ऑस्ट्रेलिया ने। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।